वेस्टर्न न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। जयपुर शहर के उठनार एक छोटे से गांव में एक ही परिवार के लोग, जब दो बहन जब उन्हीं की घर में ही अपनी जिंदगी अपने परिवार के साथ गुजारा किया करते थे, तब घर के परिवार वाले भाइयों ने जब घर छोड़ने की बात की, तब दोनों बहनों को जब कुछ पैसों की तकरार होती है, जब किस तरह बेरहमी से अपने बहनों को पीटते हैं और बुरी हालत इनकी इस तरह करते हैं ताकि हॉस्पिटल में डॉक्टर भी देखकर परेशान हो जाते हैं। जब एक ही परिवार वाले एक ही माँ के बच्चे जब दौलत के लिए, घर के लिए, शोहरत के लिए इस तरह से मार पीट करते हैं, तो आज के जमाने में भी ये बड़ी शर्म की बात है। ताकि अब तो जब दोनों बहनों को अपने भाई जब पीट रहे थे, सारा गांव खड़ा होकर देख रहा था ताकि कोई भी इनके बीच में आकर कोई भी इनके झगड़ों को नहीं छुड़ा पाए, ताकि झगड़ा चलता ही रहा और बड़ी जख्मी से इन्होंने जब मार खाकर सरकारी हॉस्पिटल में कई दिन से एडमिट थे। ये तो परिवार के बीच में ये झगड़ों की तो बात रह गई, सरकारी हॉस्पिटल की तो बात देखते हैं तो वहां पर ना कोई डॉक्टर इनकी देखभाल कर पा रहा, ना यहाँ पर कोई सरकारी हॉस्पिटल का प्रशासन कोई भी इनको नहीं देख पा रहा है। ताकि यहाँ पर खाना मरीजों को इस तरह देते हैं ताकि जानवर भी खाने के लिए शायद उसको भी शर्म आता होगा, ऐसे यहाँ पर इस सरकारी विजयपुर के सरकारी हॉस्पिटल में उस तरह सा यहाँ पर मरीजों को खाना दिया करते हैं। ना जाने यहाँ पर खाने की इतने कंप्लेंट्स हैं ताकि यहाँ पर मरीजों को ठीक से तो देखभाल तो नहीं हो पाती, डॉक्टर से सही में वक्त पर नहीं आ सकते, मगर मरीजों की हालत पहले से मारपीट में बिगड़ा हुआ रहता है। मगर उससे भी ज्यादा इस सरकारी हॉस्पिटल में इतनी मेंटली टॉर्चर हो जाती है ताकि अगर इन्होंने जब जाए डिस्चार्ज करे और जब जाए छोड़ दे, मनमानी करते हैं इस सरकारी हॉस्पिटल में। अब यहाँ पर एक दोनों परिवार के बीच में अगर झगड़ा प्रसाद होता है तो ये तो पुलिस का काम है इनका कंप्लेंट लेना और आरोपियों को पकड़ना और जेल के सलाखों के पीछे भेजना, चाहे भाई हो, बहन हो, चाहे कोई भी हो। अब तो सरकारी हॉस्पिटल का इतने कंप्लेंट्स है, आते आते हम इतना दिखा सकते हैं आपको, देखते ही आप परेशान हो जाएंगे। देखेंगे एक रिपोर्ट।